भाई लोगों, 10 दिन और हमें इस साल की बिगेस्ट एक्शन पैक्ड मूवी मिल जाएगी। वो एक्शन पैक्ड मूवी जो एनिमल और सालार की तरह कंटेंट रखती है, वो प्रॉमिसिंग रखती है और उस जैसा दमदार वजन रखती है जो 1000 करोड़ डेफिनेटली ठोक के मार सकती है। उस लेवल का सब कुछ है इसके बाद। लेकिन भाई साहब, कमी सिर्फ एक ही है कि इस मूवी के पास हाइप बिल्कुल भी नहीं है। जो ये लोग सोच रहे हैं ना कि ये मूवी आएगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और क्या कहते हैं, हमें 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, देन ठीक है, क्योंकि ये इतना ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जिस हिसाब से इसका बजट है, जिस हिसाब से इसमें एक्शन एंड स्टोरी दमदार मिलने वाली है, और जो बड़े चेहरे, जो बॉलीवुड के एक्शन किंग कहे जाते हैं, वो चेहरे अगर इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो भाई 1000 करोड़ इससे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ब्लॉकबस्टर हिट का टैग अगर आप सोच रहे हो कि ये मूवी आ जाए उस लिस्ट में, तो भाई साहब थ्योरी चेंज हो चुकी है पिछले साल से, जहां पर एनिमल, सलार, देन उसके बाद जवान, पठान, जो सब सेट करके गए हैं, 1000 करोड़, नियरली 1000 करोड़ पहुंच गई तो ब्लॉकबस्टर हिट का टैग आपके पास है। लेकिन अराउंड में 400 से 500 करोड़ पहुंच गई तो भाई साहब इसको कोई बूझेगा भी नहीं, नॉन एवरेज हिट कह के जाएंगे ये मूवी को। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी हाइप नहीं है, हाइप है, लेकिन हाइप है इस टाइम पर कौन सी वाली, 400 से 500 करोड़ की वाली। तो भाई साहब कमी कहां देखने को मिल रही है, कमी सिर्फ एक ही है कि भाई डाई हार्ड फैंस में कमी है एंड नथिंग और। क्योंकि जो स्टार मेन लीड पर है भाई, इन्होंने उतनी मेहनत शायद एक्टिंग के दौरान नहीं करोगी जितनी ये इस टाइम प्रमोशन में कर रहे हैं। और पूजा एंटरटेनमेंट हाउस जो अभी तक बिल्कुल भी प्रमोशन पे इतना ध्यान नहीं देता था, पिछले साल की अगर दो मूवी की बात कर लें, मिशन रानीगंज की बात कर लें, चाहे गणपत मूवी की बात कर लें, भाई बिल्कुल जीरो प्रमोशन था। दुगना तिगुना नहीं, 4 टाइम 5 टाइम प्रमोशन चल रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ, ग्रैंड प्रमोशन चल रहा है, मतलब खुले हाथों से पैसा बहाया जा रहा है। मूवी मेकिंग में तो जितना उन्होंने बहाया ही बहाया है, लगभग 250 से 300 करोड़ के आसपास, लेकिन प्रमोशन के मामले में भी ये बिल्कुल भी कमी नहीं कर रहे हैं। तो वैसे सिर्फ कमी यही है कि डाई हार्ड फैंस में कमी है, क्योंकि जब अगर पिछला सिनेरियो हम उठा के देखें, वैसे हिस्ट्री गवाह है, जवान, पठान, देन उसके बाद सलार, देन उसके बाद एनिमल, जब ये मूवीज आई थी उससे पहले डाई हार्ट फैन पागल हुए पड़े थे इस मूवी को हाइप में लाने के लिए। हर दिन ट्विटर्स पे अलग ट्रेंड चल रहा था, लोग वीडियोज़ बना रहे थे भाई इससे रिलेटेड, क्या कहते हैं, जो अभी तक सॉन्ग्स भी आ चुके हैं, सॉन्ग्स ट्रेंडिंग पे चल रहे थे, रील्स बनाई जा रही थी, दैट्स वाई कि वो हाइप सारी मेंटेन थी। लेकिन यहाँ वो हाइप मेंटेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, कड़वा है लेकिन सच है। तो कमी सिर्फ यही है कि डाई हार्ड फैंस यहाँ पर जो एफर्ट मार सकते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर मार सकते हैं, रोज ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टैग, ये ऐसे ट्रेंड करा सकते हैं, देन उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं इसको प्रमोट करने के लिए। लाइक जवान के टाइम पर हमने देखा था भाई साहब, दीवार पर पेंटिंग बना के प्रमोशंस चल रहे थे, अलग अलग अंदाज में प्रमोशन चल रहे थे, मेट्रो पर प्रमोशन चल रहा था। दैट्स वाई कि भाई साहब थोड़ा तो दुख होता है, क्योंकि अक्षय कुमार वो ऐसा लीजेंडरी आर्टिस्ट है, वो ऐसा एक्टर है जो बिल्कुल वर्सिटाइल है। बात ये भी है कि भाई साहब कमी थोड़ी सी एक्टर में भी देखने को मिली है, लेकिन टाइगर श्रॉफ के हिसाब से भाई ट्रेलर जब आया है, ट्रेलर के एक आध दिन तक तो अच्छी खासी हाइप थी, लेकिन अभी जब मूवी आने को है, लगभग 9 दिन बचे हैं और 10वें दिन में हमें 10th अप्रैल को मूवी मिल जाएगी, तो इस टाइम पर बिल्कुल भी हाइप नहीं, क्योंकि ट्रेलर अपना सॉलिड काम करके गया है। जिस हिसाब के लिए ट्रेलर को रिवील आउट कराया गया था, रिलीज कराया गया था, वो हाइप मेंटेन करी थी 2-3 दिन के लिए, लेकिन फिर वही 4 दिन की चांदनी देन अंधेरी रात, वही वाला हिसाब फिर देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई साहब कमी एक स्टार की तरफ से ये भी देखने को मिली कि भाई अकीब आजी ऐसे वर्सिटाइल एक्टर हैं जो यहाँ पर वो वजन देखने को नहीं मिला है, मतलब एक्शन के खिलाड़ी कहे जाते हैं और यहाँ पर वो वजन नहीं देखने को मिला। लाइक जब उनकी तरफ से डायलॉग डिलीवरी हो रही थी ट्रेलर में ही, तो भाई ऐसा लग रहा था एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं, जो गूजबम्स वाला हिसाब नहीं दे रहा भाई, आपके डायलॉग्स में वजन है, या तो राइटिंग खराब है, लेकिन राइटिंग खराब उतनी लग नहीं रही थी, क्योंकि डिलीवरी उस हिसाब से हो जाती जो गूजबम्स देके जाती है। भाई साहब आपके वर्ड में, आपके वर्ड्स में वजन होता है, वो ऑटोमेटिकली गूजबम्स देके जाता है, जैसे हमने अकीब आजी की बहुत सी मूवीज में देखा है, मिशन रानीगंज में ऐसे बहुत से डायलॉग्स थे जो हिट करके जा रहे थे, गूजबम्स देके जा रहे थे। देन उसके बाद OMG 2 में हमने देख लिया था, और भी बहुत सी मूवी है, लेकिन यहाँ वो वजन देखने को नहीं। खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी आवाज बनावटी टाइप की लगी, बस यही एक कमी है। बाकी भाई अगर आप डाई हार्ट फैन हो, आप कहाँ सो रहे हो, अगर ये समय है आपका अपने फेवरेट सुपरस्टार को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि प्रभास के जो फैंस हैं वो बिल्कुल भी कमी नहीं करते हैं। देन उसके बाद रणबीर कपूर ने भी वो स्पॉट अपने लिए तैयार कर लिया है, वो हाईलाइट सेट कर लिया है, जब भी वो आएंगे भाई फाड़ के जाएंगे। तो ये चीज भाई अकीब आजी को देखने को नहीं मिल रही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मूवी धमाकेदार होने वाली है। ट्रेलर बहुत कुछ कह गया है, बहुत प्रॉमिस कर गया है, लेकिन
कमी सिर्फ इतनी है भाई साहब कि डाई हार्ड फैंस जो है सो रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल ऑडियंस तभी अट्रैक्ट होगी जब आपकी तरफ से कोई एफर्ट देखने को मिलेगा, जब वो सारी चीजें रोज आंखों के सामने देखने को मिलेंगी, न्यूट्रल ऑडियंस अपने आप अटैच होगी इससे, अट्रैक्ट होगी इससे, और एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी मूवी भाई 9-10 दिन बाद आई जाएगी, फिलहाल हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ बिग एंड ह्यूज डाई हार्ड फैन ऑफ अक्षय बाजी, क्योंकि बचपना गुजरा है भाई साहब इनकी मूवीज को देख देख कर, और अभी भी इनमें वो लेजेंडरी स्किल है इनमें जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करो, देन उसके बाद कमेंट बॉक्स पर #SupportAkshayBaji या फिर #SupportBadeMiyaChoteMiyan, #FirstDayFirstShow, एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत कुछ तो ट्रेंड के लिए बहुत कुछ है भाई साहब। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।